मोदी जी ने यहाँ पर 1734 शहीद परिवारों की घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही। 50वें दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेकानेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। 2014 में आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी। उत्तराखंड की 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि वन रैंक वन पेंशन का मसला हम समाप्त कर देंगे। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं करता था। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है।